हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता खान किचन। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी लोबिया की फली और आलू, जिसके लिए हमने लोबिया की फली ली है आधा किलो, जिसको हमने अच्छे से धोकर और आधा इंच के टुकड़ों में काट लिया है। चार बड़े साइज के आलू, इसको भी हमने आधा इंच के टुकड़ों में काट लिया है। चार हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर। ये हमारा होममेड है, ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और ये 1 पिंच हींग। चलिए बनाना शुरू करते हैं लोबिया की फली। आलू ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे जीरा, हींग, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक पेस्ट, उसको भून लेंगे। दो मिनट तक इसको भूनना है ताकि हमारे गार्लिक का कच्चापन निकल जाए। इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप जिंजर पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालना है रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और इन सारे मसालों को हम भून लेंगे। इसको हमें तब तक भूनना है तब हमारे मसालों से तेल अलग ना हो जाए। मसाला भून चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने काट कर रख लिए थे और इसको भी हम इसी के साथ मिक्स कर देंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक इसी के साथ भूनना है। ये हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे लोबिया की फली और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आप जितना खाना पसंद करते हो कम या ज्यादा। अब इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, उसके बाद डालना है अमचूर पाउडर, ये हमने सारी चीजों को मिक्स कर दिया है। अब इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक हमारी सब्जी पूरी तरह से गल नहीं जाती। सात मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम खोलकर चेक कर लेंगे। देखिए पूरी तरह से बन चुकी है, इसको हम फॉक्स से चेक कर लेंगे। देखिए आलू हमारे परफेक्टली गल चुके हैं, गैस को बंद कर देना है और इसको सर्व कर लेंगे। लोबिया की फली आलू बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।